वेला तरीन दिन है और हम जा रहे हैं मोईज के पास चाय शाय पीने। आज मोईज नवाज और अजीज नहीं, अजीज नहीं आ रहा। मोईज चौधरी तेरे घर के बाहर पहुंच रहे, बाहर आ जा। अजीज नवाज मोईज नवाज के बड़े भाई हैं, उनसे मिलने की आज चांस था लेकिन वो भी टोपी हो गई है तो अब हम मोईज से मिलने जा रहे हैं। लेकिन मोईज भी काफी है, नाम ही काफी है, क्या हो गया, डॉलेंस है ना वो, डॉलेंस। आजकल खातून बहुत मोटरसाइकिल चला रही हैं, स्पेशली लाहौर में तो देखने को बहुत साइकिल वाली कहानी बदन वाली है। स्टिल वेटिंग फॉर मोईज, हस्बैंड इज आल्सो वेटिंग फॉर मोईज। अस्सलाम वालेकुम मोईज भाई, क्या हाल है? ठीक है जी सर, कैसे हैं? जबरदस्त भाई, ऐसे नहीं होता वो। सर कैसे हैं आप? सर बेहतरीन, वंडरफुल। मिनी व्लॉगिंग कर रहा हूं। हां यस सर, सर कोई बात नहीं, लोगों को अच्छा लगेगा, बुरा थोड़ी है। अच्छा ही लगेगा सर, क्या खूबसूरत दिन है, लाश क्या प्यारी हवा, क्या धूप है, हुए हुए मुझे तो मजा ही आ गया। आप लोग अभी डेढ़ बजे निकलते ना आपकी बुन। अभी हम डिफेंस राया की तरफ जा रहे हैं जो इंतहाई ना गैर मुनासिब जगह है फैमिलीज के लिए। फैमिलीज के लिए बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह है भाई, कसम से। और मैं जब भी आया हूँ हर वक्त एक ना जेन पे वो आप हाई अलर्ट पे चल रहे होते हो कि जनरली बड़े घटिया किस्म के लोग आए होते हैं बीच में गिने चुने और वो फिर रियन डालते हैं। हाँ यस, मैं बड़ा हॉस्टाइल किस्म का, बड़ा अनफ्रेंडली सा, बड़ा इनसिक्योर सा माहौल है यहाँ पे। ये जी हम दाखिल हो चुके हैं अंदर और फिल वक्त तो खैर अभी दिन का टाइम है, इतना कोई रश रोला रप्पा नहीं है तो अभी हाँ ठीक है, फैमिली फ्रेंडली है। अब हम पार्किंग में गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैं इस तरह का हॉस्टल तो नहीं लग रहा सर। लगते तो हैं ना यार, चपड़े नहीं लगते लेकिन हॉस्टल फुल लगते हैं। ना यार, नहीं अनफ्रेंडली मॉल जिससे मैं लोगों को रोक रहा हूँ। हाँ जल्दी आ गया था तो इसके अब्बा कहते हैं इन्हें इमाम मस्जिद का उधार देना है, ताई छेती निकल गया। कहते हैं तो मैंने बड़ी पई है। आज असफन ने फहाश किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। ओए आशीष गाने तुम दोनों में से कौन गाता है? क्या चमकीला आशीष गीत अश्लील था, सॉरी अश्लील। हाँ मैं पिंडू आया तो मैं पहली बार ही राया देखा है। ए राया तो अरबी लफ्ज नहीं होता, राया से राया मतलब राया भाई पिंड ना। पहले नहीं देखो, नहीं पहले देखो, पूरी वो ड्रेसिंग के साथ जा रहे हैं। नहीं चपड़ी नहीं लग रहे लेकिन अनफ्रेंडली, हाँ नॉन फैमिली पर्सन लग रहे हो। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि ये बेहतर है या फोन बेहतर है। ये बेहतर है, ये बेहतर है ना, क्योंकि मैंने पैसा लगाया। तो आपने क्या पहना हुआ है? चड्डी जेड़ा कपड़ा बच गया थी उत्ते लाता भाई भाई।
अच्छा जी अब हम राया से अक के अपने ऑफिस जा रहे हैं, ये हमारे ऑफिस का पुरसकून एरिया है। होराइजन ही खराब हो गया इसका, गोप्रो का क्या हो गया? तो ये जेल बरकत फार्मेसी के ऊपर हमारा है जी ऑफिस। इधर कर जी हमने गाड़ी पार्क, अब हम जा रहे हैं ऊपर चिलिंग्स करने। यो मैन, ओ हाँ सनरूफ भी, ये शीशा भी, अब हुआ पता है भाई मैं भी ये बटनों वाले ही शीशे मेरे पास। वो है मेरे को नहीं ना है जीप शोरूम मैं मेरे को स्विफ्ट है। अच्छा जी राया पे थोड़े से मैं कमेंट्स करना चाहूंगा, और डीएचए फेस 6 पे स्पेसिफिकली राया एंड इट्स सराउंडिंग्स। मैंने महसूस किया है, आई डोंट नो कि बाकी जो रेजिडेंट्स हैं डीएचए के उनको ये महसूस, बाय द वे मैं अस्करी का रेजिडेंट हूँ लेकिन डीएचए आना जाना लगा रहता है, तो बाकी जो डीएचए के रेजिडेंट्स हैं उनको ये चीज़ महसूस हुई है कि नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। वो ये है कि जब से राया खुला है डीएचए का माहौल ज़रा हॉस्टाइल सा हो गया, और ज़रा मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो बड़ा अनफ्रेंडली और ख़राब हो गया माहौल। अनफ्रेंडली से मुराद ये है कि जब आप लड़कों में हों तो ठीक है, बंदा फिर भी कंफर्टेबल होता है एक हद तक कि क्या ही हो जाएगा। आप लड़कों में होते हो आपको फिर भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मिसअप हुआ तो हम मिल मिला के हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हो यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, और फैमिली के साथ छोड़े मैं तो अकेला भी जब आप डीएचए निकलता हूँ ना फेस 6 वाली साइड पे राया का रास्ता जो बनता है तो वहाँ पे मामलात मुझे काफ़ी हॉस्टाइल और ख़राब से लगते हैं। एंड वो ये डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन इस कवर की इतनी गंदी किताबें छप चुकी हैं कि मैं ये अब बात किसी से ये बहस में करता ही नहीं हूँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ब्ला ब्ला। तो एक ही कवर की जब पूरी मार्केट में किताबें ही गंदी हों तो दो तीन जो अच्छी हैं वो भी बेचारी बदनाम हो जाती हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ प्योर लोंडा माहौल की, जिनको स्लैंग में शपाटर या चपड़ी भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ डाला कल्चर और ये एसयूवी कल्चर, पावर शो, इन चीज़ों के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इनडिसेंट लोग ही देखे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कह रहा हूँ, ऑल ऑफ द नहीं कह रहा। अगर आप एक डिसेंट शख्स हैं, आप समझते हैं कि आप एक डिसेंट शख्स हैं तो आप चले उस मोस्ट में नहीं आ रहे तो, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इनडिसेंट लोग ही देखे हैं और उनको इनडिसेंट हरकतें करते हुए भी देखे हैं। वो कभी रेस देके बर्न आउट मार के निकलेंगे, कभी वो स्किट मारेंगे, कभी वो रैश ड्राइविंग करेंगे, कभी वो लिटरली लड़ भड़ रहे होंगे किसी से, और उनकी ज़ुबान, उनका बात करने का अंदाज, उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ इज़ वेरी हॉस्टाइल एंड वेरी फैमिली अनफ्रेंडली, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये वाले जो अवाम है जिनकी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी है, इनकी तादाद डिफेंस राया से मुराद जो फेयरवे कमर्शियल मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके रास्ते में भी जो जो मेन बुलेवार्ड जो आता है और वहाँ से आप राइट होते हो फिर एक मेन रोड से आप आगे राया तक जाते हो, उसके रास्ते में भी ऐसी अवाम आपको ऑन एंड ऑफ मिलती रहती है। तो ख़ास तौर पर ईद पे जब मैं वहाँ, शुक्र है अकेला गया, लास्ट ईयर मैं फैमिली के साथ गया था, इस दफ़ा मैं बस अकेला गया और वो भी मैं बाहर से ही गुजरा हूँ, और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं फैमिली के साथ यहाँ पे नहीं आया। तो डिफेंस राया को मैं अपनी तरफ से अपनी किताब में एटलीस्ट एक ना बॉयकॉट या बैन कंसिडर करता हूँ व्हेन इट कम्स टू अ गुड प्लेस टू गो विद फैमिली। तो इस मामले में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मेरी राय उनको यही है कि वहाँ फैमिली के साथ ना जाएं, स्पेशली किसी हॉलीडे पे या स्पेशली वीकेंड पे। चलें वीकडेज़ में दोपहर के टाइम मध्यम माहौल होता है तब चले जाएं अगर टाइम मिलता है, अगर आप ऑफिस नहीं हैं उस टाइम या कोई भी रात के टाइम वीकडेज़ में इट्स बेटर देन यूजुअल, लेकिन बेटर देन द वीकेंड्स। लेकिन आम तौर पे मतलब मैं जनरली भी मैं कहूँगा फेयरवे कमर्शियल से दूर ही रहें अगर आप फैमिली के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। बाकी ये यूट्यूब पे आप सर्च करें तो जो डीएचए का घटिया किस्म का वाकया होगा वो आपको फेयरवे कमर्शियल से रिलेटेड मिलेगा। तो
ये कसूर फेयरवे कमर्शियल इटसेल्फ का नहीं है, ये आवाम को खुद भी सीधा रहना चाहिए कि अगर आपको बेसिक एथिक्स या एटिकेट्स नहीं आते एक पब्लिक एरिया में दाखिल होने के, वहाँ रहने के, वहाँ बातचीत करने के, या फिर वहाँ पे सिंपली एग्जिस्ट करने के आपको बेसिक एटिकेट्स नहीं आते, तो भाई घर से ना निकला करो, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। यही सिस्टम है बाकी। ये मेरे कमेंट्स हैं फेयरवे कमर्शियल डिफेंस नियर डिफेंस राया उसको लेके और उसकी वजह से फेज सिक्स के भी कुछ इलाकों को लेके। फेज सिक्स ओवरऑल वाज अ मच फ्रेंडलियर प्लेस, लेकिन अब मैं सोचता हूँ 6 महीने में, अगर रफली मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 6 महीने में ऐसा डिफरेंस आया कि मैं घर से ऑफिस जब जाता हूँ ना तो उस रास्ते में ही मुझे इतने इस तरह के सैंपल्स नज़र आ जाते हैं ना, और अक्सर औकात उनसे अच्छा बुरा इंटरेक्शन भी, बुरा ही ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी हो जाता है कि कोई कट मार के गया है, किसी ने गाड़ी रगड़ दी है तो वो रुके हैं, बहस हुई है, वो निकल गया, फिर मैं भी निकल गया। जाहिर सी बात है, बात आगे किधर लेके जानी होती है, बस वही पॉइंट होता है कि भाई आपकी गलती मेरी गलती, आपकी गलती मेरी गलती। पॉइंट है इसके बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है ये चीज़, और मेरी तरफ से सबको यही राय है कि फैमिली के साथ किसी भी दिन हो सके तो फेयरवे कमर्शियल ना जाएं, और अगर वीकेंड्स और हॉलीडे किसी भी किस्म के कोई हॉलीडे हो तो उसमें तो बिल्कुल भी मत जाएं, 100% ना जाएं। तो ये है मेरी छोटी सी नाकिस राय इस चीज़ को लेके। आप सबका ये व्लॉग देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।